हेलो फ्रेंड्स आज मैं बेबी के लिए सुंदर और प्यारा सा क्रोशिया से स्वेटर बनाएंगे ये स्वेटर जीरो से टू इयर्स के बेबी के लिए बना सकते हैं इसे बनाना बहुत ही आसान है तो मैं इसे स्टेप बाय स्टेप बनाकर बताऊंगी जिससे बिगनर भी इसे आराम से बना सकें यहाँ पर देखिए फ्रंट साइड में इस तरह से डिजाइन डाले हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है और नीचे की तरफ में इस तरह से बनेगा इस स्वेटर के बाजू देखिए कितना सुंदर लग रहा है मैं इस स्वेटर को एक ही वीडियो में बना के बताऊंगी देखिए स्वेटर का बैक साइड में देखिए जैसे हम फ्रंट साइड में डिजाइन डालें उसी तरीके से हम बैक साइड में भी डिजाइन डाले हैं और नीचे तरफ देखिए सेम उसी तरह से बनाए हैं जैसे हम फ्रंट साइड में बनाए हैं इस स्वेटर को गले से बनाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक बनाने के बाद ये थ्री रो का डिज़ाइन डाले हैं देखिए यहाँ पर उसके बाद ये टू रो का डिज़ाइन है जिसे आपको बार बार रिपीट करना है यहाँ पर थ्री रो का जो डिजाइन बनाए हैं उसी को दोनों बाजू के लास्ट में बनानी है और नीचे की तरफ भी सेम थ्री रो का डिजाइन बनेगा इसे बनाने के लिए कॉटन एक्रेलिक यार्न लिए यार हैं आप कोई भी बेबी बुल से बना सकते हैं जो कि बच्चों के लिए कंफर्टेबल हो और थ्री पॉइंट जीरो एम एम का क्रोसिया नीडल ये स्वेटर हम सिक्स मंथ से टू ईयर के बेबी के लिए बनाए हैं अगर आप ज़ीरो से वन ईयर के बेबी के लिए बनाना चाहते हैं तो टू पॉइंट जीरो एम एम का नीडल लें और अगर आप टू से फोर ईयर्स के बेबी के लिए बनाना चाहते हैं तो फोर पॉइंट जीरो एम एम का नीडल आप लें और अगर, अगर आपका बुल ठीक है तो आप चैन को कम करके भी बना सकते हैं तो आपके बोल पर डिपेंड करेगा कि आपका बुल कैसा है उस अनुसार से क्रोशिया या तो चैन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस स्वेटर को गले से बनाना है तो जो बेस कलर वाइट कलर रखे हैं उसी से हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे तो चलिए मैं इसे बनाती हूँ देखिए यहाँ पर वाइट कलर के धागा से एक स्लिप नोट देंगे जो बेस कलर रखना चाहते हैं उसी कलर से आप इसे स्टार्ट करें उसके बाद चेन बना लेंगे ये स्वेटर सिक्स मंथ से टू ईयर्स के बेबी के लिए बना रहे हैं तो हम 60 चैन बना लेंगे आप अपने अनुसार से यहाँ पर चैन बना लें देखिए हम 60 चैन बना लिए हैं अब चैन के बैक साइड में आ जाएंगे देखिए यहाँ पे उसके बाद बैक साइड में फर्स्ट जो लूप है उसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे उसके बाद नेक्स्ट लूप में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे चैन का बैक साइड में बनाना है देखिए सभी लूप जो बैक साइड में है चैन का उसमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक कंप्लीट करेंगे देखिए जितना भी फंदा है बैक साइड में सभी में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे देखिए इसी तरह से हम लास्ट तक बना लेंगे ये लास्ट के चैन में हम बना लिए ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है अभी से मैं इंच से दिखाती हूँ ये देखिए थर्टीन इंच का बना है अब रो टू स्टार्ट होगा तो पहले एक चैन बना लेंगे उसके बाद रो टू में देखिए एक सिंगल क्रोशिया फर्स्ट चैन में बनाएंगे उसके बाद थ्री चैन बना लेंगे वन टू थ्री फिर हम टू चैन को स्किप करेंगे देखिए वन टू चैन को स्किप करके थ्री नंबर के चेन में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे फिर से थ्री चैन बनाएंगे वन टू थ्री और टू चैन को स्कीप करेंगे और थर्ड नंबर के चैन में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इसी तरीके से पूरी रो में बनानी है थ्री चैन पहले बनाएंगे उसके बाद टू चैन को स्कीप करके थर्ड नंबर के चैन में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे तो सेकेंड रो में इसी तरीके से बनते जाएगा देखिए थ्री चैन उसके बाद टू चैन छोड़ करके एक सिंगल क्रोशिया इसी तरह से हम लास्ट तक बना लेंगे ये सेकेंड रो देखिए बना के कंप्लीट कर लिए हैं अब रो थर्ड में देखिए थ्री चैन वन टू तो, थ्री उसके बाद फर्स्ट लूप में देखिए फर्स्ट लूप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे उसके बाद एक चैन फिर से सेम लूप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चैन फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोसिया बनाएंगे तो यहाँ पर थ्री डबल क्रोसिया बना लिए हैं तो इसी तरह से थ्री डबल क्रोसिया हर एक लूप में बनानी है देखिए नेक्स्ट लूप में देखिए एक डबल क्रोसिया बनाएंगे एक चैन एक डबल क्रोसिया एक चैन फिर से एक डबल क्रोसिया बना लेंगे यहाँ पर थ्री डबल क्रोशिया बना लिए हैं इसी तरीके से हर एक लूप में थ्री थ्री डबल क्रोशिया बनाकर लास्ट तक कंप्लीट करना है थर्ड रो के लास्ट में देखिए जहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना है वहीं पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे थर्ड रो कंप्लीट हो गया अब फोर्थ रो में देखिए एक चैन उसके बाद सेम फर्स्ट चैन में जहाँ एक डबल क्रोशिया बनाए हैं उसी जगह पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे उसके बाद टू चैन वन टू एक डबल क्रोशिया छोड़ करके यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे देखिए फिर से टू चैन और एक डबल क्रोशिया छोड़ करके एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे टू चैन यहाँ पर दो डबल क्रोसिया छोड़ेंगे देखिए ये दोनों छोड़ करके यहाँ पर एक सिंगल क्रोसिया बना लेंगे तो इसी तरह से रिपीट होगा दो चैन एक डबल क्रोसिया छोड़ करके एक सिंगल क्रोसिया जहाँ पर हम थर्ड रो में चैन बनाए हैं वहीं पर सिंगल क्रोसिया बनाएंगे और जहाँ पर चैन नहीं बनाए वहाँ पर हम नहीं बनाएंगे देखिए यहाँ पर कोई चैन नहीं है तो दो डबल क्रोसिया छोड़ करके एक सिंगल क्रोसिया बना लेंगे तो हर एक दूसरी रो आपको इसी तरीके से पूरी स्वेटर में बनानी है जहाँ एक चैन बना हुआ है वहीं पर एक सिंगल क्रोसिया बना लेंगे फिर से दो चैन यहाँ पर देखिए चैन नहीं बना हुआ है तो दो डबल क्रोशिया छोड़ेंगे जैसे हम यहाँ पर बनाए हैं तो इसी तरह से आपको फोर्थ रो पूरी रो बना के कंप्लीट करनी है ये फोर्थ रो के लास्ट में देखिए दो चैन एक सिंगल क्रोशिया, लास्ट में एक चैन उसके बाद जहाँ डबल क्रोशिया बना हुआ है वहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे देखिए लास्ट के चैन में फोर्थ रो हो गया अब फिफ्थ रो में देखिए थ्री चैन उसके बाद फर्स्ट लूप को छोड़ देंगे देखिए इसी के सामने बनाना है ये सेकेंड लूप में एक डबल क्रोसिया एक चैन उसके बाद दो डबल क्रोसिया वन तो एक चैन उसके बाद एक डबल क्रोशिया यहाँ पर फोर डबल क्रोशिया बना लिए हैं इसी तरीके से एक लूप को आपको स्किप करना है छोड़ देना है उसके बाद दूसरे लूप में देखिए इस लूप को छोड़ देंगे उसके बाद दूसरे लूप में उसके बाद नेक्स्ट लूप में इसके सामने एक डबल क्रोसिया एक चैन दो डबल क्रोसिया वन टू एक चैन फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोसिया यहाँ पर फोर डबल क्रोसिया बना लिए हैं फिर से एक लूप को छोड़ देंगे उसके बाद नेक्स्ट लूप में एक डबल क्रोसिया एक चैन दो डबल क्रोशिया वन टू एक चैन फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया इसी तरह से एक लूप छोड़ करके दूसरे लूप में फोर डबल क्रोशिया बना लेनी है इसी तरह से बनाते हुए लास्ट तक कंप्लीट करेंगे ये देखिए फिफ्थ रो के लास्ट में एक डबल क्रोसिया एक चैन वन टू डबल क्रोसिया एक चैन फिर से एक डबल क्रोसिया अब एक लूप को छोड़ देंगे जैसे स्टार्टिंग में छोड़े हैं उसके बाद जहाँ पर एक सिंगल क्रोसिया बनाए वहीं पर एक डबल क्रोसिया बना लेंगे लास्ट के चैन में ये फिफ्थ रो कंप्लीट हो गया रो सिक्स में देखिए एक चैन उसके बाद जहाँ डबल क्रोशिया बनाएँ वहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे फर्स्ट चैन में ही दो चैन वन टू अब एक डबल क्रोशिया छोड़ करके यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे देखिए यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे उसके बाद थ्री चैन यहाँ पर दो डबल क्रोसिया छोड़ के बनाएंगे क्योंकि देखिए बीच में कोई चैन नहीं है तो जहां चैन है वहीं पर एक सिंगल क्रोसिया बना लेंगे फिर से थ्री चैन दो डबल क्रोसिया छोड़ करके एक सिंगल क्रोसिया बना लेंगे थ्री चैन दो डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया बना लेंगे थ्री चैन टू डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इसी तरीके से सिक्स रो बना करके कंप्लीट करना है तब मैं लास्ट तक बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ ये देखिए सिक्स रो के लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद टू चैन और जहाँ डबल क्रोशिया बना हुआ है वहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे सिक्स रो कंप्लीट हो गया अब सेवन रो में थ्री चैन वन टू थ्री फर्स्ट लूप को स्किप करेंगे इसे देखिए छोड़ देंगे उसके बाद नेक्स्ट लूप में दो डबल क्रोशिया वन टू दो चैन वन टू फिर से टू डबल क्रोशिया सेम जगह पे बनाएंगे वन टू टू चैन वन टू फिर सेम जगह पे ही दो डबल क्रोशिया बना लेंगे वन Two, तो यहाँ पर सिक्स डबल क्रोशिया बना लिए हैं देखिए एक लूप में सिक्स डबल क्रोशिया बना लिए हैं तो इसी तरह से हमें एक लूप छोड़ करके दूसरे लूप में नेक्स्ट लूप में इस लूप को छोड़ देंगे इस लूप में सिक्स डबल क्रोशिया बना लेंगे पहले दो डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टू टू चैन फिर से दो डबल क्रोशिया बना लेंगे थ्री फोर टू चैन फिर सेम जगह पे दो डबल क्रोशिया बना लेंगे फाइव सिक्स ये देखिए एक लूप में सिक्स डबल क्रोशिया बना लिए हैं फिर नेक्स्ट लूप को छोड़ देंगे इसे छोड़ देंगे इस लूप में फिर से हम इसी तरीके से सिक्स डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से बनाते हुए ये सेवन रो कंप्लीट करना है सेवन रो के लास्ट में देखिए लास्ट के चैन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे अब रो एट में देखिए वन चैन सेम जहाँ डबल क्रोशिया बनाएं वहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे उसके बाद टू चैन वन टू अब यहाँ पर दो डबल क्रोशिया छोड़ करके एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ दो चैन बनाए वहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे फिर से थ्री चैन वन टू थ्री और दो डबल क्रोसिया छोड़ करके जहाँ दो चैन बना हुआ है वहीं पर एक सिंगल क्रोसिया बना लेंगे इस रोम भी उसी तरह से बनानी है जहाँ चैन नहीं है वहाँ सिंगल क्रोसिया नहीं बनाएंगे देखिए ये फोर डबल क्रोसिया के बीच में कहीं पर चैन नहीं है तो यहाँ पर एक सिंगल क्रोसिया बना लेंगे उसके बाद थ्री चैन दो डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया फिर से थ्री चैन फोर डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया थ्री चैन दो डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया पहले दो डबल क्रोसिया छोड़ना उसके बाद फोर डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया जैसे यहाँ पर बनेगा इसी तरह से एट रो बना के कंप्लीट करना है मैं यहाँ लास्ट तक बना के फिर आपको दिखाती हूँ ये देखिए एट रो के लास्ट में दो चैन उसके बाद लास्ट के चैन में एक सिंगल क्रोसिया एट रो बन गया है उसके बाद एक चैन बना लेंगे इस धागे को कट कर देंगे देखिए एट रो बनाने के बाद इस तरह से बन किया आएगा अब सेकेंड कलर का धागा इसमें लगा लेंगे यहाँ पर देखिए वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट रो बन गया है अब नाइन रो में सेकेंड कलर का धागा लगा लेंगे सेकेंड कलर का, का धागा लगाते हुए एक चैन बना लेंगे उसके बाद टू चैन वन टू अभी इसके सामने देखिए इसी के सामने फर्स्ट लूप को छोड़ करके सेकेंड लूप में एट डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट एट डबल क्रोशिया बना लिए हैं एक ही लूप में उसके बाद इसी के सामने यानी कि एक लूप छोड़ करके नेक्स्ट लूप में एट डबल क्रोशिया बना लेंगे वन two, three, four, five, six, seven, eight, nine रो में एक लूप छोड़ करके इसके सामने नेक्स्ट लूप में एक डबल क्रोसिया बना लेनी है जैसे कि बनाए हैं तो इसी तरह से पूरी रो बना के कंप्लीट करेंगे नाइन रो के लास्ट में देखिए लास्ट के चैन में जहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना हुआ है वहीं पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे रो नाइन कंप्लीट हो गया अब रो टेन में देखिए ये उल्टा तरफ है तो तर रो टेन में पहले दो चैन बना लेंगे देखिए वन टू और ये उल्टा तरफ से ही यहाँ पर देखिए उल्टा साइड से एक डबल क्रोशिया लेकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे उसके बाद एक चैन फिर से नेक्स्ट एक डबल क्रोशिया लेकर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे फिर एक चैन बैक साइड से एक डबल क्रोशिया एक चैन फिर से बैक साइड से एक डबल क्रोसिया एक चैन एक डबल क्रोसिया लेकर एक चैन बना लेंगे एक डबल क्रोसिया एक चैन एक डबल क्रोसिया लेकर एक डबल क्रोसिया बना लेंगे पीछे की तरफ से एक चैन फिर से एक डबल क्रोसिया एक चैन लास्ट का एक डबल क्रोसिया में एक डबल क्रोसिया बना लेंगे देखिए यहाँ पर एट डबल क्रोसिया बना लिए हैं देखिए एट डबल क्रोसिया बन गया है अब यहाँ पर चैन नहीं बनाएंगे फिर नेक्स्ट एक डबल क्रोसिया लेकर पीछे की तरफ से जैसे हम एक डबल क्रोसिया बनाएं उसी तरीके से एक डबल क्रोसिया एक चैन फिर नेक्स्ट एक डबल क्रोसिया लेकर एक डबल क्रोसिया एक चैन 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 अब लास्ट का एक डबल क्रोसिया बना लेंगे उसके बाद चैन नहीं बनाएंगे और नेक्स्ट एक डबल क्रोसिया बना लेंगे फिर से एक चैन एक डबल क्रोसिया इसी तरह से बनानी है बीच में कोई चेन नहीं बनाएंगे बाक़ी हम एक डबल क्रोसिया एक चेन बना के लास्ट तक कंप्लीट करेंगे रोटेन तो के लास्ट में देखिए एक डबल क्रोसिया एक चैन एक डबल क्रोसिया उसके बाद जैसे हम स्टार्टिंग में बनाए हैं यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पर दो चैन बना लेंगे और लास्ट में जहाँ सिंगल क्रोशिया वहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे ये टेन रो कंप्लीट हो गया अब एक चैन बनाएंगे और इस धागे को कट कर देंगे रो इलेवन में देखिए यहाँ पर फर्स्ट कलर का धागा अटैच कर लेंगे देखिए इस तरह से एक चैन बना लेंगे उसके बाद सेम जगह पर ही एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे थ्री चैन वन टू थ्री फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ करके एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ एक चैन है वहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे फिर से थ्री चैन एक डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया, थ्री चैन एक डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया थ्री चैन एक डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया फिर से थ्री चैन देखिए वन टू थ्री एक डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया थ्री चैन एक डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया थ्री चैन एक डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया थ्री चैन देखिए यहां पर कोई चैन नहीं है तो दो डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया फिर से थ्री चैन एक डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया थ्री चैन एक डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया इसी तरह से बनाते हुए रो इलेवन कंप्लीट करेंगे तो मैं रो इलेवन के लास्ट में आपको दिखाती हूँ रो इलेवन के लास्ट में देखिए थ्री चैन एक डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया फिर से थ्री चैन यहाँ पर जैसे हम स्टार्टिंग में यहाँ पर थ्री चैन बनाए हैं उसी तरीके से यहाँ भी थ्री चैन बना लेंगे उसके बाद एक डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया। एलेवन रो कंप्लीट करने के बाद एक चेन बनाकर इस धागे को भी कट कर देंगे इलेवन रो बनाने के बाद उल्टा साइड में जहाँ से हम इसे बनाना स्टार्ट किए हैं वहीं से काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सिक्स रो में देखिए थ्री चैन एक सिंगल क्रोशिया बनाए हैं वहीं पर अब धागे को ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पर बेस कलर जो वाइट कलर रखे हैं उसी कलर का धागा लगा लेंगे देखिए जहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना हुआ है वहीं पर धागे को अटैच करेंगे ये उल्टा साइड है उल्टा साइड में इस तरह से धागे को अटैच करना है उसके बाद एक चेन बनाएंगे अब देखिए इसी रो में जहाँ एक सिंगल क्रोशिया है वहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे देखिए ये सिंगल क्रोशिया है तो इसी में इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे उसके बाद जहाँ एक सिंगल क्रोशिया वहीं पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है देखिए ये सब जगह पे ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो पहले थ्री चैन बना लेंगे उसके बाद इस सिंगल क्रोशिया को इस तरह से इस तरह से हम लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे फिर से थ्री चैन और जहाँ एक सिंगल क्रोशिया बना हुआ है वहीं पर इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे थ्री चैन ये उल्टा साइड है तो उल्टा साइड में इस तरह से जहाँ एक सिंगल क्रोशिया बना हुआ है वहीं पर थ्री चैन बनाने के बाद एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे फिर से थ्री चैन और एक सिंगल क्रोशिया जहाँ है वहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे फिर से थ्री चैन एक सिंगल क्रोशिया, थ्री चैन इसी तरीके से हमें ये फर्स्ट रो बना के कंप्लीट करना है जहाँ एक सिंगल क्रोशिया बना हुआ है वहीं पर एक सिंगल क्रोशिया थ्री चैन बनाने के बाद बना लेंगे ये रो वन है तो रो वन इसी तरह से बनाते हुए लास्ट तक कंप्लीट करेंगे यहाँ तक बना के फिर आपको दिखाती हूँ ये रो वन के लास्ट में देखिए एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद टू चैन अब लास्ट का जो एक सिंगल क्रोशिया बना हुआ है उसी में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे रो वन बना के कंप्लीट कर लिए हैं अब देखिए ये उल्टा साइड है और ये साइड देखिए सीधी साइड है देखिए ये उल्टा साइड से बनाना स्टार्ट किए हैं ये रो वन बना के कंप्लीट किए हैं अब इस लूप को काउंट करेंगे तो फर्स्ट लूप को छोड़ देंगे देखिए फर्स्ट लूप को छोड़ करके यहाँ से काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन 17, एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री आइए लास्ट ग्रुप को जैसे हम स्टार्टिंग का लूप छोड़े हैं ये देखिए स्टार्टिंग का लूप जैसे हम छोड़ के काउंट किए हैं उसी तरीके से लास्ट का लूप भी छोड़ देंगे तो टोटल फोर्टी थ्री लूप बन गया है अभी इसे डिवाइड करेंगे देखिए ये उल्टा तरफ है तो यहाँ पर देखिए ये हम फ्रंट साइड रखेंगे इतना से इतना तक उसके बाद बाजू हो जाएगा फिर बैक साइड फिर बाजू उसके बाद फ्रंट साइड तो यहाँ पर फ्रंट साइड की तरफ फर्स्ट लूप को छोड़कर इसे हम छोड़ देंगे वन टू तो, थ्री फोर फाइव फाइव नंबर का जो लूप है उसमें हम इस तरह से निशान लगा देंगे फाइव लूप के बाद बाजू के लिए काउंट करेंगे देखिए यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन अब इलेवन नंबर का यहाँ से यहाँ तक लूप है तो इसमें हम एक निशान लगा लें अब बैक साइड का देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन इलेवन नंबर का लूप जो बैक साइड में है उसमें हम एक निशान लगा लेंगे अब बैक साइड का लूप छोड़ करके इलेवन नंबर काउंट करेंगे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन अब इसमें एक निशान लगा लेंगे जैसे हम दूसरे बाजू में लगाए हैं लास्ट में फ्रंट साइड है तो यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फोर फाइव लूप बचा है लास्ट का लूप छोड़ कर तो ये फाइव लूप फ्रंट साइड के लिए रह जाएगा देखिए हमें इस तरह से फोर्टी थ्री लूप को डिवाइड कर लिए हैं या स्टार्टिंग का फ्रंट साइड बाजू उसके बाद बैक साइड तो इसी तरह से आपको निशान लगानी है जितना भी लूप है उसको डिवाइड करके फिर निशान लगा लीजिए ये सीधी साइड है ये उल्टा साइड अब उल्टा साइड से ही हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे देखिए ये सेकेंड रो है तो पहले थ्री चैन बना लेंगे वन टू थ्री और फर्स्ट लूप को छोड़ देंगे उसके बाद सेकेंड लूप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे उसके बाद एक चैन फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया एक चैन फिर से सेम जगह पे ही एक डबल क्रोसिया यहाँ पर एक लूप में थ्री डबल क्रोसिया बना लिए हैं तो इसी तरह से जो फाइव लूप फ्रंट साइड का रखे हैं उसमें एक डबल क्रोसिया एक चैन एक डबल क्रोसिया एक चैन फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोसिया बना लेंगे देखिए एक डबल क्रोसिया एक चैन एक डबल क्रोसिया एक चैन एक डबल क्रोसिया फिर से नेक्स्ट लूप में एक डबल क्रोसिया एक चैन एक डबल क्रोसिया एक चैन एक डबल क्रोसिया फिफ्थ नंबर के लूप में देखिए एक डबल क्रोशिया एक चैन एक डबल क्रोशिया एक चैन एक डबल क्रोशिया यहाँ पर यहाँ पर फिफ्थ लूप बना के कंप्लीट कर लिए हैं अब देखिए बाजू का है तो बाजू का यहाँ पर इलेवन लूप है तो इसमें देखिए बाजू का फर्स्ट लूप में एक डबल क्रोसिया देखिए यहाँ पर एक डबल क्रोसिया एक चैन उसके बाद दो डबल क्रोसिया वन टू एक चैन उसके बाद सेम जगह पे एक डबल क्रोसिया बनाएंगे यहाँ पर वन लूप में फोर डबल क्रोशिया बना लिए हैं अब नेक्स्ट एक लूप छोड़ देंगे उसके बाद नेक्स्ट लूप में इसी तरह से एक डबल क्रोशिया, एक चैन दो डबल क्रोशिया, एक चैन एक डबल क्रोशिया, फोर डबल क्रोशिया बना लेंगे फिर से एक लूप को छोड़ करके नेक्स्ट लूप में एक डबल क्रोशिया एक चैन दो डबल क्रोसिया एक चैन एक डबल क्रोसिया इसी तरह से बाजू में बना के कंप्लीट करेंगे एक लूप को छोड़ करके नेक्स्ट लूप में एक डबल क्रोसिया एक चैन दो डबल क्रोसिया एक चैन फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोसिया देखिए एक लूप को छोड़ करके नेक्स्ट लूप में एक डबल क्रोसिया एक चैन दो डबल क्रोसिया एक चैन एक डबल क्रोसिया एक लूप को छोड़ देंगे बाजू का लास्ट लूप में जहाँ पर निशान लगाए हैं वहीं पे एक डबल क्रोसिया एक चैन दो डबल क्रोसिया एक चैन एक डबल क्रोसिया ये बाजू का बन गया है अब बैक साइड में देखिए इलेवन लूप है तो बैक साइड में जैसे हम फ्रंट साइड बनाए उसी तरह से बनाएंगे एक डबल क्रोसिया एक चैन एक डबल क्रोसिया एक चैन एक डबल क्रोसिया यानी कि वन लूप में थ्री डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट लूप में एक डबल क्रोशिया, एक चैन एक डबल क्रोशिया, एक चैन एक डबल क्रोशिया, इसी तरीके से बैक साइड के सभी लूप में बना के कंप्लीट करेंगे तो मैं यहाँ तक बना के फिर आपको दिखाती हूँ जैसे मैं आगे यहाँ पर फ्रंट साइड में बनाई हूँ हर एक लूप में थ्री डबल क्रोशिया उसी तरह से बैक साइड में भी हर एक लूप में थ्री डबल क्रोशिया बना लेंगे तो मैं आपको यहाँ तक बना के फिर दिखा रही हूँ ये देखिए लास्ट लूप में एक डबल क्रोशिया एक चैन एक डबल क्रोशिया एक चैन हर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे बैक साइड के इलेवन लूप में बना के कंप्लीट कर लिए देखिए यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, इलेवन लूप में थ्री डबल क्रोसिया बना लिए हैं अब ये बाजू का साइड है तो जैसे हम इस साइड बाजू में बनाए हैं यहाँ पर यहाँ पर जैसे हम बाजू में बनाए हैं उसी तरह से यहाँ पर बना लेंगे देखिए फर्स्ट लूप में ही एक डबल क्रोसिया एक चैन सेम लूप में दो डबल क्रोसिया एक चैन एक डबल क्रोसिया फिर से नेक्स्ट लूप को छोड़ करके उसके बाद वाले लूप में एक डबल क्रोसिया एक चैन दो डबल क्रोसिया एक चैन एक डबल क्रोसिया इसी तरह से एक एक लूप छोड़ करके फोर डबल क्रोसिया बना लेंगे देखिए ऐसे छोड़ करके इसमें फोर डबल क्रोसिया अब लास्ट में देखिए बाजू के लास्ट लूप में एक डबल क्रोसिया एक चैन दो डबल क्रोसिया एक चैन एक डबल क्रोसिया यहाँ से यहाँ तक देखिए बाजू का बना के कंप्लीट कर लिए हैं ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स लूप में बना लिए एक, एक लूप छोड़ करके अब ये फ्रंट साइड है तो जैसे हम दूसरे साइड फ्रंट साइड में बनाए हैं उसी तरह से इसमें बनाएंगे एक डबल क्रोसिया एक चैन एक डबल क्रोसिया एक चैन एक डबल क्रोसिया फिर से नेक्स्ट लूप में एक डबल क्रोसिया एक चैन एक डबल क्रोसिया एक चैन एक डबल क्रोसिया तो इसी तरह से फ्रंट साइड के हर एक लूप में थ्री डबल क्रोसिया बना लेंगे फ्रंट साइड का फिफ्थ लूप में देखिए एक डबल क्रोशिया एक चैन एक डबल क्रोशिया एक चैन एक डबल क्रोशिया ये लास्ट का लूप रहने देंगे इसमें नहीं बनाएंगे यहाँ पर देखिए लास्ट में जहाँ एक सिंगल क्रोशिया बना हुआ है वहीं पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे ये सेकेंड रो बना के कंप्लीट कर लिए हैं ये देखिए फाइव लूप में बना लिए हैं अब रो थर्ड में देखिए वन चैन फिर जहाँ एक डबल क्रोसिया बना हुआ है वहीं पर एक सिंगल क्रोसिया उसके बाद टू चैन वन टू एक डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया जहां एक चैन बना हुआ है वहीं पर एक सिंगल क्रोसिया फिर से थ्री चैन एक डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया थ्री चैन यहां पर कोई चैन नहीं है तो दो डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया थ्री चैन एक डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया उसके बाद दो डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया जहाँ पर चैन है वहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे थ्री चैन बनाने के बाद तो ये स्टार्टिंग का जो फ्रंट साइड है वो पूरे हम इसी तरह से बना के कंप्लीट करेंगे देखिए थ्री चैन दो डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया, थ्री चैन एक डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया, थ्री चैन दो डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया, थ्री चैन एक डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया थ्री चैन दो डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया, थ्री चैन एक डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया, थ्री चैन दो डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया, अब ये बाजू का साइड है इस साइड में दो दो डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे देखिए ये फ्रंट साइड बना लिए हैं ये बाजू के साइड में देखिए दो डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया थ्री चैन दो डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया थ्री चैन दो डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया तो बाजू में हम इसी तरीके से बना के कर कम्प्लीट करेंगे दो डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया दो डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया थ्री चैन दो डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया थ्री चैन दो डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया थ्री चैन दो डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया अब ये देखिए बैक साइड है तो जैसे हम फ्रंट साइड में बनाए हैं एक साइड फ्रंट साइड में जैसे हम बनाए हैं उसी तरह से बैक साइड में बनाएंगे थ्री चैन एक डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया थ्री चैन दो डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया थ्री चैन एक डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया थ्री चैन दो डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया ये बैक साइड में भी जैसे हम फ्रंट साइड में एक डबल क्रोसिया छोड़ करके कर एक सिंगल क्रोशिया उसके बाद दो डबल क्रोशिया छोड़ करके एक सिंगल क्रोशिया बनाए हैं उसी तरह से ये बैक साइड में बना लेंगे थ्री चैन दो डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया थ्री चैन एक डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया थ्री चैन दो डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया थ्री चैन एक डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया थ्री चैन दो डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया थ्री चैन दो डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया ये बाजू का साइड है तो जैसे एक बाजू तरफ बनाएँ उसी तरह से दूसरे बाजू तरफ भी बनाएंगे दो डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया फिर से थ्री चैन दो डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया थ्री चैन दो डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया थ्री चैन दो डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया इस साइड में दो दो डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे थे चेन बनाने के बाद दूसरे बाजू के लास्ट में देखिए दो डबल क्रोशिया छोड़ करके कर एक सिंगल क्रोशिया अभी फ्रंट साइड है तो जैसे एक साइड में बनाएंगे उसी तरह से ये दूसरे साइड में बनाएंगे एक डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया थ्री चैन दो डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया थ्री चैन एक डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया थ्री चैन दो डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया थ्री चैन एक डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया तरह से लास्ट तक बना लेंगे लास्ट में देखिए टू चैन और यहाँ पर देखिए लास्ट के चैन में एक सिंगल क्रशिया बना लेंगे देखिए यहाँ पर एक सिंगल क्रशिया बना लेंगे ये थर्ड रो कंप्लीट हो गया रो फोर्थ में देखिए थ्री चैन फर्स्ट लूप को छोड़ करके सेकेंड लूप में एक डबल क्रोसिया एक चैन दो डबल क्रोसिया वन टू तो, एक चैन एक डबल क्रोसिया यहाँ पर एक लूप में फोर डबल क्रोसिया बनानी है जैसे देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग का फिफ्थ रो में बनाए हैं उसी तरह से यहाँ पे बनानी है देखिए एक लूप को छोड़ करके दूसरे लूप में एक डबल क्रोसिया एक चैन दो डबल क्रोसिया एक चैन दो डबल क्रोसिया इसी तरह से फोर्थ रो में एक लूप छोड़ करके दूसरे लूप में फोर डबल क्रोसिया बनाकर लास्ट तक कंप्लीट करना है तो मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ ये देखिए फोर्थ रो के लास्ट में एक डबल क्रोसिया एक चैन दो डबल क्रोसिया एक चैन एक डबल क्रोसिया अब लास्ट में यहाँ पर जहाँ सिंगल क्रोशिया बना हुआ है वहीं पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे अब रो फाइव में देखिए वन चैन फिर जहाँ एक डबल क्रोशिया बनाए वहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे फर्स्ट चैन में दो चैन एक डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया थ्री चैन दो डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया थ्री चैन दो डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया जहाँ एक चैन बना हुआ है वहीं पर एक सिंगल क्रोसिया बना लेंगे दो डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया थ्री चैन दो डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया तो इसी तरह से बनाते हुए ये फिफ्थ रो कंप्लीट करेंगे मैं फिफ्थ रो के लास्ट में आपको दिखाती हूँ फिफ्थ रो के लास्ट में देखिए थ्री चैन एक सिंगल क्रोशिया, थ्री चैन दो डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया, लास्ट में दो चैन और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे ये फिफ्थ रो कंप्लीट हो गया देखिए स्टार्टिंग से ये सेवन रो में जैसे हम बनाए हैं उसी तरह से ये सिक्स रो में बनाएंगे थ्री चैन उसके बाद फर्स्ट लूप छोड़ करके सेकेंड लूप में दो डबल क्रोसिया वन टू वन चैन फिर से सेम जगह पे दो डबल क्रोसिया वन चैन फिर सेम जगह पर ही दो डबल क्रोसिया यानी कि वन लूप में सिक्स डबल क्रोसिया बनाएंगे उसके बाद वन लूप छोड़ करके उसके नेक्स्ट लूप में दो डबल क्रोसिया वन चैन दो डबल क्रोसिया वन चैन दो डबल क्रोसिया बना लेंगे एक लूप में सिक्स डबल क्रोशिया तो इसी तरह से एक लूप छोड़ करके नेक्स्ट लूप में सिक्स डबल क्रोशिया बना लेंगे तो सिक्स रो इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करना है तो मैं सिक्स रो के लास्ट में फिर दिखाती हूँ यहाँ पे सिक्स रो के लास्ट में देखिए दो डबल क्रोशिया वन चैन दो डबल क्रोशिया वन चैन दो डबल क्रोशिया सेम उसी तरीके से बनाते हुए कंप्लीट करना है लास्ट में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे कंप्लीट हो गया एक सरो के बाद देखिए अभी इस इंसान को हम यहाँ पर लगा देंगे उसी के सामने देखिए स्टार्टिंग से जैसे हम फाइव लुक छोड़े थे उसी तरह से यहाँ पर फाइव डिजाइन छोड़ करके यहाँ पर लगा लेंगे अरे बाजू के लिए देखिए टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन नहीं सिक्स डिजाइन को छोड़ देंगे यहाँ पर देखिए सिक्स डिजाइन को छोड़ इसी के सामने लगा देंगे ये बाजू के लिए सिक्स डिजाइन है अभी साइड देखिए फ्रंट साइड में ही फाइव डिजाइन छोड़ करके वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पे लगा देंगे उसके बाद बाजू का वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स डिजाइन छोड़कर यहां पे लगा देंगे ये देखिए बाजू का लग गया ये फ्रंट साइड का है और ये बाजू का और ये बैक साइड का है अब रो सेवन स्टार्ट होगा देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब सेवन रो में देखिए सेवन रो में वन चैन फिर जहाँ एक डबल क्रोसिया बनाए हैं वहीं पे एक सिंगल क्रोसिया बना लेंगे टू चैन उसके बाद जहाँ पर एक चैन बना हुआ है यानी कि दो डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया फिर से थ्री चैन -oh affiliated. दो डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर कोई चैन नहीं है तो फोर डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया थ्री चैन दो डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया थ्री चैन फोर डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया थ्री चैन दो डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया थ्री चैन फोर डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया थ्री चैन टू डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया थ्री चैन फोर डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर देखिए थ्री चैन दो डबल क्रोशिया छोड़ कर के यानी कि जहाँ पर निशान लगा हुआ है उससे दो डबल क्रोशिया पहले हम इस तरह से नीडल को यहाँ पर डालेंगे और बाजू का साइड अलग कर देंगे देखिए इस तरह से फिर ये निशान लगा हुआ है तो उसके बाद दो डबल क्रोशिया के बाद हम इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे देखिए इस साइड में बाजू का बन गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स डिजाइन ये बाजू का है अब ये बैक साइड है तो देखिए थ्री चैन बनाने के बाद दो डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया फिर से थ्री चैन फोर डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया तो जैसे हम फ्रंट साइड में बनाएँ उसी तरीके से दो डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया उसके बाद फोर डबल क्रोसिया छोड़ के एक सिंगल क्रोसिया तो मैं तो यहाँ तक बना लेती हूँ फिर देखिए बैक साइड का बना के कंप्लीट कर लिए हैं अब यहाँ पर और डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया थ्री चैन उसके बाद दो डबल क्रोसिया छोड़ के यानी कि निशान से इससे दो डबल क्रोसिया पहले हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पर जो निशान लगा हुआ है उसके दो डबल क्रोसिया बाद हम इस तरह से ले करके यहाँ पर एक सिंगल क्रोसिया बना लेंगे ये दूसरा बाजू का बन गया देखिए यहाँ पर भी सिक्स डिजाइन है अब इधर फ्रंट साइड का है यहाँ पर थ्री चैन बना लेंगे उसके बाद टू डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया थ्री चैन और डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया इसी तरह से बनाते हुए लास्ट तक कंप्लीट करेंगे रो सेवन के लास्ट में देखिए टू चैन उसके बाद लास्ट के चैन में एक सिंगल क्रोसिया ये सेवन रो कंप्लीट हो गया अब रो एट में देखिए थ्री चैन फर्स्ट लूप छोड़ करके सेकेंड लूप में दो डबल क्रोशिया, दो चैन दो डबल क्रोशिया, दो चैन दो डबल क्रोशिया बना लेंगे यानी कि थ्री टाइम टू टू डबल क्रोशिया बनाएंगे सिक्स डबल क्रोशिया। उसके बाद नेक्स्ट लूप को छोड़ देंगे इस लूप में देखिए इसके सामने फिर से सिक्स डबल क्रोशिया बना लेंगे वन टू टू चैन थ्री फोर टू चैन फाइव सिक्स तो इसी तरह से एक लूप छोड़ करके नेक्स्ट लूप में सिक्स डबल क्रोशिया बना लेंगे देखिए वन टू डबल क्रोशिया, टू चैन फिर से टू डबल क्रोशिया, टू चैन टू डबल क्रोशिया। इसी तरह से वन लूप छोड़ करके नेक्स्ट लूप में टू डबल क्रोशिया, टू चैन टू डबल क्रोसिया टू चैन टू डबल क्रोसिया बना लेंगे देखिए वन लूप को छोड़ देंगे नेक्स्ट लूप में यहाँ पे इसके सामने ये देखिए टू डबल क्रोसिया टू चैन टू डबल क्रोसिया टू चैन टू डबल क्रोसिया अब यहाँ पर कोई लूप नहीं छोड़ेंगे देखिए फ्रंट साइड से बैक साइड में बनाना है तो बिना लूप छोड़े हुए बना लेंगे टू डबल क्रोसिया टू चैन सेम जगह पर ही टू डबल क्रोसिया टू चैन टू डबल क्रोसिया यहाँ पर बनाने के बाद इस लूप को छोड़ के जैसे हम फ्रंट साइड में बनाएं उसी तरह से बनाएंगे टू डबल क्रोसिया टू चैन टू डबल क्रोसिया टू चैन टू डबल क्रोसिया फ्रंट साइड में एक लूप छोड़ करके नेक्स्ट लूप में सिक्स डबल क्रोसिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे यहाँ तक उसके बाद यहाँ पर सेम इसी तरह से बनानी है जैसे हम इस बाजू के पास में बनाए हैं उसी तरह से हम यहाँ पर दूसरे बाजू के पास भी बनाएंगे बिना लूप छोड़े हुए उसके बाद फ्रंट साइड में एक एक लूप छोड़ करके बनाएंगे रो एट के लास्ट लूप में देखिए टू डबल क्रोसिया टू चैन टू डबल क्रोसिया टू चैन टू डबल क्रोसिया उसके बाद जहाँ पर एक सिंगल क्रोसिया बना हुआ है वहीं पर एक डबल क्रोसिया बना लेंगे एट रो कंप्लीट हो गया यहाँ पर देखिए बिना लूप छोड़े हुए बनाए हैं जैसे कि हम यहाँ पर बनाए अब रो नाइन में देखिए एक चैन फिर जहाँ डबल क्रोशिया बना हुआ है वहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे उसके बाद टू चैन टू डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे उसके बाद थ्री चैन फिर टू डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे थ्री चैन अब यहाँ पर फोर डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे थ्री चैन टू डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे ये नाइन रो बना के कंप्लीट करेंगे तो नाइन रो के लास्ट में फिर मैं आपको दिखाती हूँ नाइन रो के लास्ट में देखिए थ्री चैन टू डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया, टू चैन अब लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे ये रो नाइन कंप्लीट हो गया देखिए रो नाइन बनाने के बाद आपका इस तरह से बन के आएगा जैसे लास्ट का टू रो बनाए हैं रो एट और रो नाइन उसी को आपको बार बार रिपीट करना है आप जितना भी लंबाई का बनाना चाहते हैं उतना लंबा आप यहाँ पर बना लें यहाँ पर देखिए लास्ट का टू रो के जैसा ही सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे बीच में इस कलर से बनाएंगे तो आप चाहें तो बीच में आप दूसरा कलर भी डाल सकते हैं जो सेकेंड कलर रखे हैं वो कलर भी डाल सकते हैं जैसे मैं डालूँगी या फिर आप फर्स्ट कलर से बेस कलर से ही पूरा बना सकते हैं तो आप जितना भी लेंथ रखना चाहते हैं जो रो एट और नाइन है उसी के जैसा आप रिपीट करते जाएं तो मैं यहाँ पर फिफ्टीन रो और बना लेती हूँ सेम तरीके से देखिए थ्री चैन बनाएंगे उसके बाद फर्स्ट लूप छोड़ करके सेकेंड लूप में इसी के सामने टू डबल क्रोसिया टू चैन टू डबल क्रोसिया टू चैन और टू डबल क्रोसिया बना लेंगे यानी कि वन लूप में सिक्स डबल क्रोसिया एक लूप छोड़ करके इसके सामने फिर से हम इसी तरीके से सिक्स डबल क्रोसिया बनाएंगे इसी तरह से हमें वन से टू रो बार बार रिपीट करना है लास्ट का तो मैं आगे बना के फिर आपको दिखाती हूँ यहाँ पर यहाँ पर देखिए यहाँ जब बनाएंगे उसके बाद बीच में वन लूप को छोड़ करके उसके बाद वाले लूप में बनाएंगे इसी के सामने हमको बनाना है तो इसी तरह से हम आगे बना लेंगे तो हम आगे फिफ्टीन रो और बना करके फिर आपको दिखाती हूँ देखिए मैं फिफ्टीन रो बना के कंप्लीट कर ली हूँ यहाँ पर देखिए फोर रो हम सेकेंड कलर के धागा लगा के सेम तरीके से बनाए हैं आप चाहें तो एक ही कलर से बना सकते हैं लेकिन बच्चे के लिए यहाँ पर बीच में ये सेकेंड कलर अच्छा लगेगा ये डिज़ाइन का देखिए यहाँ से यहाँ से एट रो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट रो ये डिज़ाइन का बना है अगर टोटल रो काउंट करेंगे तो ये सेवेंटीन रो है देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन टवेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन अब देखिए यहाँ पर सेकेंड कलर का धागा लगा लिए हैं वन टू चैन बना लेंगे उसके बाद फर्स्ट लूप को छोड़ देंगे देखिए फर्स्ट लूप को छोड़ करके सेकेंड लूप में एट डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टू थ्री फाइव सिक्स सेवेन एट यहाँ पर एट डबल क्रोशिया बना लिए हैं अब नेक्स्ट लूप को छोड़ देंगे देखिए इस लूप को छोड़ करके इससे आगे के लूप में एट डबल क्रोशिया बनाएंगे टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इसी तरह से वन लूप छोड़ करके नेक्स्ट लूप में ये डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक कंप्लीट करेंगे जैसे देखिए यहाँ पर थ्री रो का डिज़ाइन बनाए हैं उसी तरीके से हम बनाएंगे तो ये डिजाइन का फर्स्ट रो इसी तरीके से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे ये देखिए फर्स्ट रो के लास्ट में लास्ट के चैन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे अब डिजाइन का रो टू में देखिए टू चैन वन टू उसके बाद बैक साइड से एक डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे देखिए ये बैक साइड से एक डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे उसके बाद वन चैन फिर से बैक साइड के एक डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे एक चैन बैक साइड के एक डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे तीसी तरीके से एट डबल क्रोशिया में एट डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चैन बनाने के बाद देखिए अब तो लास्ट में एक चैन उसके बाद बैक साइड से एक डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया अब यहाँ पर चैन नहीं बनाना है फिर से हम बैक साइड से एक डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे एक चैन बैक साइड के एक डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करना है मैं ये सेकेंड रो पूरे कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ लास्ट में अब ये सेकेंड रो के लास्ट में देखिए बैक साइड के एक डबल क्रोशिया, में एक डबल क्रोशिया, वन चैन फिर से एक डबल क्रोशिया, वन चैन एक डबल क्रोशिया, वन चैन एक डबल क्रोशिया। अब लास्ट में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे फर्स्ट कलर का धागा लगा करके ये लास्ट का रो बनाएंगे देखिए वन चैन चैन बना लेंगे उसके बाद यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया देखिए उसके बाद थ्री चैन अब एक डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया थ्री चैन एक डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया थ्री चैन एक डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया थ्री चैन एक डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया थ्री चैन एक डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया फिर से थ्री चैन एक डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया, थ्री चैन एक डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया, थ्री चैन यहाँ पर दो डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर से थ्री चैन एक डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया, इसी तरीके से ये लास्ट का रो बना के कम्प्लीट करेंगे तो मैं यहाँ तक लास्ट तक बना करके फिर आपको दिखाती हूँ यहाँ पे लास्ट में देखिए वन चैन उसके बाद यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे उसके बाद सेम जगह पे ही एक और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे क्योंकि अब ये साइड में बटन पट्टी बनाएंगे तो देखिए जहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना हुआ है वहाँ पर दो सिंगल क्रोशिया बना लेंगे देखिए वन टू और जहाँ सिंगल क्रोशिया बना हुआ है वहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे देखिए यहाँ पर डबल क्रोशिया है तो दो सिंगल क्रोशिया बना लेंगे उसके बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया है तो एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर डबल क्रोशिया है तो दो सिंगल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया है तो एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरीके से जहाँ डबल क्रोशिया है वहाँ दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जहाँ सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट तो करेंगे तो मैं यहाँ इस डिजाइन तक देखिए इस डिजाइन तक बना लेती हूँ यहाँ तक ये यह देखिए यहाँ तक बनाने के बाद इस डिजाइन को भी साथ में लेके बनाएंगे देखिए इस तरह से तो यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए डबल क्रोशिया है दोनों तरफ तो दोनों को एक साथ लेकर के दो सिंगल क्रोशिया बना लेंगे उसके बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया है तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से उसके बाद डबल क्रोशिया है तो यहाँ पे दो सिंगल क्रोशिया बना लेंगे एक सिंगल क्रोशिया इसी तरीके से जो ऊपर का डिजाइन है उसे भी साथ में लेके बनानी है यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे उसके बाद यहाँ पर डबल क्रोसिया है तो दो सिंगल क्रोसिया बनाएंगे उसके बाद एक सिंगल क्रोसिया फिर से एक सिंगल क्रोसिया दो सिंगल क्रोशिया, उसके बाद वन सिंगल क्रोशिया टू क्रोशिया, वन सिंगल क्रोशिया, देखिए एक साइड का बना लिए हैं अब यहाँ पर लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया। अब लास्ट में जो स्टार्टिंग का रो है उसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे ये फर्स्ट रो बटन पट्टी का फर्स्ट रो बना के कंप्लीट कर लिए हैं बटन पट्टी का सेकेंड रो में देखिए एक चैन उसके बाद फर्स्ट चैन में ही एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर देखिए बटन होल के लिए दो चैन छोड़ देंगे तो इससे पहले हम दो चैन बना लेंगे वन टू उसके बाद दो चैन छोड़ करके थर्ड नंबर के चैन में एक सिंगल क्रोशिया आप जितना बड़ा बटन लगाना चाहते हैं उस अनुसार से यहाँ पर चैन छोड़ें मैं मीडियम साइज़ का बटन लगाऊंगी इसलिए टू चैन छोड़ी हूँ उसके बाद नाइन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए नाइन सिंगल क्रोशिया बना लेंगे देखे थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन उसके बाद टू चैन बनाएंगे बटन होल्ड के लिए उसके बाद टू चैन छोड़ करके थर्ड चैन में एक सिंगल क्रोशिया इसी तरह से सेकेंड रो बना के कंप्लीट करेंगे सेकेंड रो के लास्ट में देखिए हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लिए हैं अब यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे उसके बाद फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाकर एक स्लिप चैन बना लेंगे उसके बाद इस धागे को कट कर देंगे बटन होल के साइड में टू रो बना लिए हैं अब इसी तरीके से बटन पट्टी के साइड में भी बनाएंगे फर्स्ट रो जैसे हम बटन होल के तरफ बनाए हैं उसी तरह से बनाएंगे तो यहाँ गले से बनाना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर फर्स्ट कलर का धागा लगाते हुए एक चेन बनाएंगे। उसके बाद सेम जगह पर ही एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे अब जहाँ पर सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और जहाँ डबल क्रोशिया है वहाँ पर दो सिंगल क्रोशिया बना लेंगे देखिए इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद जहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया वहीं पर एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे और जहाँ डबल क्रोशिया है वहाँ पर दो सिंगल क्रोशिया बना लेंगे जैसे फर्स्ट रो बटन होल की तरफ बनाए हैं उसी तरीके से इस साइड भी फर्स्ट रो बना के कंप्लीट करेंगे देखिए अब यहाँ पर डिजाइन है तो इसे भी साथ में लेके बनाएंगे यहाँ डबल क्रोशिया है तो दो सिंगल क्रोशिया बना लेंगे उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया धागे को भी साथ में लेके बनाएंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी देखिए यहाँ डबल क्रोशिया है तो दो सिंगल क्रोशिया बना लेंगे अब लास्ट में यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे उसके बाद डबल क्रोशिया है तो दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे उसके बाद दो सिंगल क्रोशिया तो इसी तरह से बनाते हुए लास्ट तक कंप्लीट करेंगे यहाँ तक देखिए फर्स्ट रो के लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया उसके बाद यहाँ पर डबल क्रोशिया है तो दो सिंगल क्रोशिया बना लेंगे लास्ट का रो है इसलिए एक सिंगल क्रोशिया और यहाँ पर बनाएंगे लास्ट में उसके बाद यहाँ पर एक स्लिप चैन बना लेंगे देखिए लास्ट में यहाँ पर एक स्लिप चैन बना लेंगे इस तरह से उसके बाद सेकेंड रो में देखिए एक चैन सेम जगह पर ही एक सिंगल क्रोशिया अब हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे देखिए सभी चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस साइड बटन होल नहीं बनाना है एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए सेकेंड रो कंप्लीट करेंगे देखिए इसी तरह से हम लास्ट तक बना लेंगे यहाँ गले तक सेकेंड रो बनाने के बाद थर्ड रो में सेकेंड कलर का धागा लगा करके बटन होल के साइड से हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट किए हैं अब यहाँ पर देखिए बटन होल है तो बटन होल में थ्री सिंगल क्रोशिया बना लेंगे उसके बाद एक चैन छोड़ करके नेक्स्ट चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे देखिए जैसे हम यहाँ पर बटन होल में बनाए हैं उसी तरीके से यहाँ पर बना लिए अब हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे हम इस स्वेटर में थ्री बटन होल बनाए हैं क्योंकि थ्री बटन डालना है देखिए दो बटन होल तो बना लिए हैं अब लास्ट में आपको दिखाती हूँ हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह से कंप्लीट करेंगे अब लास्ट के बटन होल में देखिए यहाँ पर थ्री सिंगल क्रोशिया बना लेंगे जैसे दो बटन होल में बनाए उसी तरीके से अब लास्ट में यहाँ पर बिना चेन छोड़े हुए एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे उसके बाद गले के साइड में बनाना है जो फाउंडेशन रो है तो फर्स्ट चैन बनाने के बाद फर्स्ट होल में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे देखिए उसके बाद हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरे गले में कंप्लीट करेंगे फिर बटन पट्टी के साइड में भी हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे तो मैं बटन पट्टी के साइड में भी हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के कम्प्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ ये देखिए मैं सेकेंड कलर के धागा से थर्ड रो बना के कम्प्लीट कर ली हूँ यहाँ गले में भी सेकेंड कलर के धागा से हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं यहाँ पर कॉर्नर पर एक चैन बनाने के बाद इधर बटन पट्टी में हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ लास्ट तक कंप्लीट कर लिए हैं अब लास्ट में देखिए इस तरीके से हम फिनिशिंग दे देंगे सुई में धागा डाल करके इस तरह से फिनिशिंग देना है धागे को हम यहाँ पर कट करेंगे देखिए इस तरह से डाल करके फिर इसे हम कट कर देंगे इस तरह से बन के आएगा देखिए गले का फिनिशिंग कितना अच्छा बना है और ये बटन पट्टी भी सेम एक जैसा है यहाँ पर थ्री बटन लगा लेंगे देखिए तरीके से हम थ्री बटन यहाँ पे लगा लेंगे तो पहले बाजू बना लेते हैं उसके बाद बटन लगाएंगे अब बाजू में देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो डबल क्रोशिया के बाद धागे को अटैच करेंगे उसके बाद सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे उसके बाद थ्री चैन अब यहाँ पर फोर डबल क्रोशिया छोड़ करके एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ एक चैन बना हुआ है वहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे फिर से थ्री चैन दो डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया, थ्री चैन फोर डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया, थ्री चैन टू डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया तो इसी तरह से जहाँ एक चैन बना हुआ है वहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे थ्री चैन बनाने के बाद मैं फर्स्ट रो पूरी रो कंप्लीट करके फिर यहाँ पे दिखाती हूँ ये देखिए फर्स्ट रो के लास्ट में फोर डबल क्रोशिया छोड़ के जहाँ एक सिंगल क्रोशिया बना हुआ है वहाँ पर इस तरीके से एक स्लिप चैन बना लेंगे इस तरह से उसके बाद थ्री चैन सेम होल में ही एक डबल क्रोशिया, एक चैन फिर से शे सेम होल में ही जहाँ सिंगल क्रोशिया बना है वहीं पर दो डबल क्रोशिया बना लेंगे उसके बाद फर्स्ट लूप छोड़ करके सेकेंड लूप में दो डबल क्रोसिया एक चैन दो डबल क्रोसिया वन टू तो, एक चैन दो डबल क्रोसिया वन टू तो, वन लूप में सिक्स डबल क्रोसिया बनानी है देखिए उसके बाद नेक्स्ट लूप को छोड़ देंगे उसके बाद वाले लूप में फिर से सेम तरीके से बनाएंगे दो डबल क्रोसिया वन चैन टू डबल क्रोसिया वन चैन टू डबल क्रोसिया इसी तरह से बनाते हुए हम ये सेकेंड रो कंप्लीट कर लेंगे मैं सेकेंड रो यहाँ तक बना के फिर दिखाती हूँ सेकेंड रो के लास्ट में देखिए इसी के सामने आपको बनानी है उसके बाद यहाँ पर जहाँ थ्री चैन बनाए हैं उसके बाद में यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे सेकेंड रो कंप्लीट हो गया उसके बाद टू चैन अब यहाँ पर दो डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया थ्री चैन थ्री डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया जैसे आप शुरू से बनाते आ रहे हैं उसी तरीके से बनानी है थ्री चैन बनाने के बाद यहाँ पर एक चैन है वहीं पर एक सिंगल क्रोसिया बना लेनी है फोर डबल क्रोसिया छोड़कर एक सिंगल क्रोसिया इसी तरीके से बनाते हुए थर्ड रो कंप्लीट करेंगे मैं यहाँ बना के फिर दिखाती हूँ थर्ड रो के लास्ट में देखिए थ्री चैन टू डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया थ्री चैन थर्ड रो के स्टार्टिंग के लूप में देखिए सिंगल क्रोशिया बना लेंगे उसके बाद थ्री चैन सेम जगह पर ही दो डबल क्रोशिया वन टू उसके बाद वन चैन फिर से सेम जगह पर वन डबल क्रोशिया चैन को मिला के यहाँ पर फोर डबल क्रोशिया बना लिए हैं उसके बाद वन लूप को छोड़ कर के इस लूप को छोड़ के इसमें फिर से सेम जैसे हम सेकेंड रो बनाएं उसी तरीके से फोर्थ रो बनाएंगे दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन फिर से दो डबल क्रोशिया वन चैन सेम जगह पे दो डबल क्रोशिया तो इसी तरह से बनाते हुए फोर्थ रो कंप्लीट करेंगे मैं यहाँ पे दिखाती हूँ ये देखिए फोर्थ रो के लास्ट में सेम जैसी हम सेकेंड रो में बनाए उसी तरीके से यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे अब फिफ्थ रो में देखिए थ्री चैन उसके बाद दो डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया थ्री चैन थ्री थ्री डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया थ्री चैन दो डबल क्रोशिया छोड़कर थृ� एक सिंगल क्रोशिया थ्री चैन यहाँ पर फोर डबल क्रोशिया छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तीसरी तरह से बनाते हुए फिफ्थ रो कंप्लीट करेंगे जैसे हम थर्ड रो बनाए हैं उसी तरीके से फिफ्थ रो बनाएंगे और जैसे हम फोर्थ रो बनाए हैं उसी तरीके से सिक्स रो तो यही थर्ड और फोर्थ रो की तरह आपको रिपीट करते जाना है फिर आपको जितना लंबाई का बाजू चाहिए उतना लंबाई का आप बना लें मैं यहाँ पर इसी के जैसा सेकेंड कलर डाल के बनाऊंगी जैसे देखिए यहाँ पर फोर रो बनाएं उसी तरीके से यहाँ पर देखिए रो थर्ड और फोर्थ की तरह ही मैं सेवेंटीन रो बना ली हूँ और बीच में फोर रो जैसे मैं यहाँ पर सेकेंड कलर से बनाई हूँ उसी तरीके से बाजू में बनाई हूँ देखिए सेम यहाँ पर फोर रो बनाने के बाद यहाँ पर एट रो वाइट कलर के धागा से बनाए हैं जैसे यहाँ पर बनाए हैं सेवेंटीन रो के बाद 19 और एट्टीन रो वाइट कलर के धागा से ही बना लेंगे आप अपने बच्चे के लंबाई के अनुसार से यहाँ पर बाजू बना लें रो सेवेंटीन के लास्ट में देखिए थ्री चेन बनाने के बाद दो डबल क्रोशिया छोड़ करके एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर अब रो एटीन स्टार्ट होगा तो थ्री चैन बनाने के बाद फर्स्ट लूप में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे देखिए उसके बाद यहाँ पर फोर डबल क्रोशिया बनाते थे तो अब इस रो में सिक्स डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी के तरह देखिए थ्री चैन वन टू तो, थ्री फिर सेम जगह पे वन डबल क्रोसिया यहाँ पर दो डबल क्रोसिया हो गया वन चैन टू डबल क्रोसिया वन टू वन चैन फिर सेम जगह पर ही टू डबल क्रोसिया देखिए एटीन रो में फोर की जगह सिक्स डबल क्रोसिया बनानी है बाकी आपको सेम वन लूप छोड़ करके नेक्स्ट लूप में सिक्स डबल क्रोशिया बनानी है फोर्थ रो की तरह ही टू डबल क्रोशिया वन चैन टू डबल क्रोशिया वन चैन टू डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाते हुए हम ये एटीन रो पूरा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद 19 रो जैसे हम 17 रो थ्री चैन एक सिंगल क्रोशिया बनाए उसी तरीके से बना के कंप्लीट करेंगे 19 रो के लास्ट में देखिए एक सिंगल क्रोशिया उसके बाद थ्री चैन अब यहाँ पर सेकेंड कलर का धागा लगा लेंगे सेकेंड कलर के धागा लगाने के बाद जैसे टू रो का ये डिज़ाइन बना है उसी तरीके से बनाएंगे देखिए सेकेंड कलर के धागा लगा लिए हैं अब फर्स्ट लूप में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे ये रो ट्वेंटी है एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद थ्री चैन वन टू तो, थ्री उसके बाद सेम जगह पर एट डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सेवेन, एट एट डबल क्रोशिया बनाने के बाद वन लूप को छोड़ करके नेक्स्ट लूप में फिर से सेम एट डबल क्रोशिया बना लेंगे इसी तरह से एक लूप को छोड़ करके नेक्स्ट लूप में एट डबल क्रोशिया बनाते हुए रो ट्वेंटी कंप्लीट करेंगे इसी तरह से पूरी रो में बना लेंगे यहाँ तक रो ट्वेंटी के लास्ट में देखिए एक डबल क्रोसिया बनाने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से एक सिंगल क्रोसिया बना लेंगे उसके बाद रो ट्वेंटी वन में थ्री चेन बनाने के बाद देखिए थ्री चेन बनाने के बाद यहाँ पर बैक साइड से अंदर की तरफ से फर्स्ट डबल क्रोसिया में एक डबल क्रोसिया बना लेंगे उसके बाद वन चैन फिर से अंदर की तरफ से एक डबल क्रोसिया में एक डबल क्रोसिया बना लेंगे बैक साइड से देखिए एक डबल क्रोसिया बनाने के बाद एक चैन उसके बाद फिर से एक डबल क्रोसिया वन चैन इसी तरीके से एट डबल क्रोसिया में एट डबल क्रोसिया बना लेंगे वन चैन एक डबल क्रोसिया अब यहाँ पर बिना चैन बनाए हुए नेक्स्ट एक डबल क्रोसिया में एक डबल क्रोसिया बना लेंगे बैक साइड से वन चैन तो इसी तरह से बनाते हुए रो ट्वेंटी वन कम्प्लीट करेंगे रो ट्वेंटी वन के लास्ट में देखिए एक डबल क्रोसिया वन चैन फिर से वन डबल क्रोसिया बैक साइड से वन चैन वन डबल क्रोसिया अब यहाँ पर यहाँ पर देखिए एक सिंगल क्रोसिया बना लेंगे रो ट्वेंटी वन कम्प्लीट हो गया उसके बाद इस धागे को कट कर देंगे और फर्स्ट कलर का धागा यहाँ पर अटैच कर लेंगे फर्स्ट कलर का धागा लगा करके थ्री चैन बनाएंगे उसके बाद एक डबल क्रोसिया छोड़ करके एक सिंगल क्रोसिया फिर से थ्री चैन एक डबल क्रोसिया छोड़ करके एक सिंगल क्रोसिया जैसे हम लास्ट के रो में बनाते हैं उसी तरीके से इस रो में बना लेंगे रो ट्वेंटी टू के लास्ट में देखिए एक सिंगल क्रोसिया थ्री चैन उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर देखिए इस चैन में एक स्लीप चैन बना लेंगे इस तरह से धागे को कट कर देंगे उसके बाद इसमें सुई डालेंगे इस तरह से इस फंदे को ऊपर से सुई डालते हुए इस तरह से हम लास्ट का फिनिशिंग देंगे यहाँ पर धागा ले जाकर के गाँठ दे देंगे जो एक्स्ट्रा धागा बच गया उसे कट कर देंगे देखिए इस तरह से बाजू बन के आएगा जैसे हम इस साइड का बाजू बनाए हैं उसी तरीके से दूसरा बाजू भी बना लेंगे देखिए हम यहाँ पर बटन लगा लिए हैं देखिए इस तरह से बन के आएगा तो मैं इसी तरीके से सेम दूसरा बाजू भी बना लेती हूँ उसके बाद आपको दिखाती हूँ देखिए मैं सेम तरीके से दूसरा बाजू भी बना ली हूँ देखिए कितना प्यारा और सुंदर सा स्वेटर बना है फाइनल आपका स्वेटर इस तरीके से बन के आएगा मैं इस स्वेटर को अस्टेप बाय इस्टेप बताई हूँ अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें थैंक्स फॉर वाचिंग